प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कम्युनिकेशन के विषय में बात करेंगे। देखो, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात को पहुंचाना। इस बात को पहुंचाने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सूचना का संचार इसे हिंदी में कहते हैं। तो जब हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, कंप्लेंट्स को, अपील्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है, उसके जो स्टेप्स हैं, पहला कि हमने जो कम्युनिकेशन है उसको बनाना है। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपके मन में जो आया वो आपने बात कह दी। किसके सामने बात करनी है, कैसे आपने बात कहनी है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका मोबाइल गुम हो गया है तथा आपने उसकी जो एप्लीकेशन है पुलिस इंस्पेक्टर को देनी है। तो जाते नहीं, ये नहीं कहोगे भैया मेरा मोबाइल गुम हो गया। एक एप्लीकेशन बनाइए, एक रिटर्न FIR आप दर्ज कीजिए कि मैं कहीं बैठा था, उसका स्थान का नाम दीजिए। अचानक किसी ने मेरा मोबाइल उठा लिया। तो हर विषय के ऊपर कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। दोस्त के साथ बात कर रहे हो, उसके साथ कैसा कम्युनिकेशन करना है, एक अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, उसके साथ कैसी बात करनी है, चाहे रिटर्न हो चाहे हम जुबान से बात करें, तो एक कम्युनिकेशन होना, रिटर्न में होना, उसे बनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए कि मैंने आज क्या बोलना है, क्योंकि मैं यहाँ एज ए टीचर हूँ और आप विद्यार्थी हो। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। तो दूसरा स्टेप है सूचना को भेजना। सूचना कैसे भेजोगे? नंबर एक पे कौन सा माध्यम, कौन सा मीडिया कौन सा यूज़ करोगे? जैसे मैं इस टीचिंग को देने के लिए, इस अपनी बात को कम्युनिकेट आप तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं रिटर्न में कुछ लिखता हूँ, कोई रिटर्न लेक्चर्स बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट का उपयोग करता हूँ। ऐसे ही दोस्तों से बात करने के लिए मैं फेसबुक का इस्तेमाल करता हूँ। तो भेजने का जो तरीका है वो आपका स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अब तीसरी बात है रिसीव करना। अब रिसीवर आपकी बात से सहमत है कि नहीं है, उसको वो रिसीव होनी चाहिए। आप ईमेल भेजते हो और वहाँ से वो फेल होकर वापस आपके पास आ जाती है, आपको कहती है कि ईमेल गलत होने के कारण हम भेज नहीं सके। इट मीन्स उसने रिसीव नहीं किया। आप एक दूसरी ईमेल भेजते हो, फिर उससे मोबाइल पे बात करते हो कि भाई आपका ईमेल नहीं चल रहा। तो रिसीव करना भी आवश्यक है यदि कम्युनिकेशन आपने करना है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस के। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, आपसी तालमेल को बनाना। मन मीन्स जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चाहे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हमें कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा, हम एक टीम के रूप में काम कैसे कर सकेंगे? तो कोऑर्डिनेशन बनाना आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट है अच्छे रिलेशन बनाना। रिलेशन तब बनेंगे जब हम दूसरों की दुख दर्द में उसके सहयोगी होंगे। तो अपनी बात को कम्युनिकेट करना, किसी को तकलीफ है तो उनसे पूछना कि भैया आपको क्या समस्या है। मीन्स आप उसको अपनी बात पहुंचा रहे हो, उसके दुख तकलीफ में आप सम्मिलित हो रहे हो, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा। किसी का जन्मदिन है, उसको उसके जन्मदिन पे विश कीजिए। ऐसे ही तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कम्युनिकेशन करने से या राइट इंफॉर्मेशन राइट व्यक्ति तक राइट टाइम में पहुंचती है। तो आप इसका बेनिफिट दे सकते हो। मान लो कि आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको रिजल्ट की सूचना मिलनी चाहिए।